गणेश नाइक ने एनएमएमसी आयुक्त से की फिर मुलाकात। अस्पतालों और स्कूलों में चिकित्सा और शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने पर दिया जोर। पूर्व पालक मंत्री और भाजपा विधायक गणेश नाइक ने आज गणेशोत्सव के बीच नवी मुंबई मनपा आयुक्त से फिर मुलाकात की और अपनी विविध मांगों और सुझावों पर क्या कार्रवाई हुई इस पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। पिछली मुलाकात में गणेश नाइक ने कोरोना उपचार एवं अस्पतालों में औषधियों की कालाबाजारी को रोकने की मांग की थी। इन मांगों को फिर दोहराते हुए उन्होंने गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने एवं मनपा स्कूलों में छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई में कोरोना के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, इसलिए जांच और उपचार को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। गेली 6 महीने अपन कोविड बरोबर लड़तो आहोत, त्याच्यात काही प्रमाणामध्ये आपल्याला यश मिळालं आहे, परंतु आज सकाळी एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये चांगली व्यवस्था आहे तर दुपारी राहिल्याची गॅरंटी नाही, म्हणून सातत्याने त्याच्यावर मॉनिटरिंग करणं गरजेचं आहे आणि माननीय आयुक्तांनी ती गोष्ट कबूल केलेली आहे। आज दिवसभरात अपघात घडले नाहीत पण उद्या घडणार नाहीत त्यासाठी काय आपण म्हणजे सतर्क राहिलं पाहिजे, अशा प्रकारचं त्यांना मी उदाहरण दिलं आणि त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे। आता बाब अशी आहे, मी त्यांना सांगितलं की नवी मुंबई महापालिकेचे 19-20 या कालखंडात इन्कमिंग उत्पन्न किती होतं, आउटगोइंग उत्पन्न किती, म्हणजे खर्च किती अपेक्षित होता, त्याच्यातला किती खर्च झाला। आता बाब असे की कोविडच्या बरोबर आरोग्य विभागाकरता प्रथम प्राधान्य देण्यात यावं, परंतु भविष्यकाळामध्ये बस सेवा सुरू होणार आहे म्हणजे बस मेंटेनन्स करायला पाहिजे, शाळा सुरू होणार आहे शाळांची डागडुजी करायला पाहिजे, त्याचबरोबर काही ठिकाणी रस्ते नादुरुस्त झाल्यात रस्त्यांची पण टेंडर निघालेली आहेत, वर्कआउटर देणं गरजेचं आहे, पुलांची आहे त्या ठिकाणी इमारत अत्यावश्यक। आणि म्हणून मी त्यांना सांगितलं, मी पत्रच देणार आहे त्यांना की 2019-20 कालखंडातलं आपलं जे बजेट होतं त्या बजेटच्या अनुषंगानं किती खर्च झाला, किती खर्च होऊ शकला नाही, आणि मग एक आलेली रक्कम आरोग्य विभागासाठी किती खर्च झाली आणि आता आपल्याकडे शिल्लक किती आहे, त्या अनुषंगानं राहिलेली रक्कम, कारण आरोग्य विभाग पहिला पगार, दुसरे साफसफाई, पाणीपुरवठा, वीज वगैरे हे जे अनअवॉर्डेबल एक्सपेंडिचर तर आपल्याला करायलाच लागतील, त्याच्या व्यतिरिक्त असलेल्या रकमेचा विनियोग प्रॉपर पद्धतीनं शहराच्या प्रगतीकरता गतीकरता त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे। बता दें की लोकनेता गणेश नाईक हर हफ्ते मनपा आयुक्त से मुलाकात करते हैं और सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाते हुए जरूरी उपाय करने का सुझाव देते हैं। हालांकि विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं कि इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी उन्होंने नवी मुंबई में जरूरी इंतजाम नहीं किए, इसलिए उन्हें बार बार यहां आना पड़ रहा है। हालांकि गणेश नाइक है कि बेखौफ होकर एक पालक के तौर पर नवी मुंबईकरों की सेवा में अपनी भूमिका निभाने में जुटे हैं। भाजपा कार्यकर्ता इस पर गर्व कर रहे हैं कि उनके नेता दूसरे दलों के नेताओं की तरह घर में बैठने की बजाय कोरोना के खतरे के बीच जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। एक्चुअली इसी को राजकारण बोला जाता है। जब लोगों को जरूरत पड़ती है ना तो कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता है। इसके पहले भी नवी मुंबई ठाणे जिले के जो पालक मंत्री थे वो गणेश जी नाइक साहब ही थे, और आज नवी मुंबई के जो पालक मंत्री है वो गणेश जी नाइक साहब ही है। आज जब लोगों को जरूरत पड़ी कोरोना वायरस का, जैसे कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से बात छुपी हुई नहीं है, जैसे कि सबको पता ही है आज हम सब लोग कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आज हमको ज़रूरत पड़ी तो कोई हमारे साथ में कोई आने को तैयार नहीं है। इसलिए जब कोरोना का जब लॉकडाउन लगने से पहले बड़े बड़े नेता थाने के सबके इधर आके बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब कुछ अभी जैसे कि हमारे सामने लाके पेश करने वाले, और जब कोरोना जब वायरस चालू हुआ तो कोई दिखा नहीं, कोई आया तो किसने मार्केट चालू किया, मार्केट चालू करा के कोरोना वायरस फैलाने का कोशिश किया, और कोई आया तो एग्जीबिशन सेंटर जो है वाशी का उसका क्रेडिट लेने के लिए आया होगा कोई नवी मुंबई में। लेकिन नाइक साहब को आज आप देखोगे, आज नाइक साहब घर पे नहीं रुक रहे हैं, हर 4 दिन के बाद में आपको नवी मुंबई में कमिश्नर साहब के पास में मिलेंगे लोगों की परेशानी लेके, चाहे वो फिर वो हॉस्पिटल का विषय हो या किसी भी तरह का विषय हो। आज जैसे जो लोगों को ज़रूरत थी आज किसी लीडर के खड़े होने की, तो उस तरीके में आज नाइक साहब ने लोगों के पीछे नाइक साहब खड़े हुए। आज जो नवी मुंबई का काया पलट हुआ है तो नाइक साहब की वजह से हुआ है, और आज जब हम लोग
किसी कोई तो अपन विपदा में आज हम लोग मिले हुए हैं कोरोना की, और आज हमको जब ज़रूरत है किसी नेता की तो आज नाइक साहब हमारे लिए खड़े हुए हैं। और जैसे कि हम थाने के पालक मंत्री साहब की अगर बात करेंगे तो थाने के पालक मंत्री आते हैं, मैं नहीं बोलूँगा नहीं आते, थाने के पालक मंत्री आते हैं नवी मुंबई में, कभी वो मार्केट बंद होता है तो मार्केट चालू कराने के लिए आते हैं, फिर वापस कोरोना की संख्या बढ़ जाती है फिर मार्केट बंद होता है, फिर वापस वो कुछ दिन के बाद में वापस आते हैं नवी मुंबई का मार्केट चालू कराने के लिए। या तो कुछ अगर उद्घाटन होगा एग्जीबिशन सेंटर का तो एग्जीबिशन सेंटर के लिए आएंगे। अभी जैसे कि बीच में मैंने फोटो देखा को पालक मंत्री साहब पूरा कोविड का ड्रेस पहन के घूम रहे थे, अब वो दिखावा था क्या 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 था मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे नाइक साहब ने किधर भी कोविड का ड्रेस पहन के किधर भी गया नहीं, मुझे लोगों को उन्होंने भयभीत नहीं किया। वो जिप भी जाते थे एक अपना मास्क, उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ रहता था और मास्क के किसी हुआ जाते थे क्या लोगों को जो कोरोना से जो बाकी लोग डरा रहे हैं वो इधर के जो नई मुंबई के लोग हैं उनके दिल में वो सब डरा पैदा ना हो, बोल के नाइक साहब बिंदास काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।